एमपी के रीवा में घरेलू विवाद में कलयुगी पुत्र ने मां का सिर फोड़ा, गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। सोहागी थाना क्षेत्र गीधा गांव की घटना। एक बेटे ने घरेलू विवाद में अपनी मां का सिर फोड़ दिया, जिसे गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। सोहागी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोहागी थाना के गीधा गांव में आरोपी काशी प्रसाद साहू घर पर विवाद कर रहा था और अन्य सदस्यों को गाली दे रहा था। इसी दौरान उसकी मां छोटी देवी उसको मना करने गई तो समीप में खड़े डंडे से मां के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे खून से लथपथ महिला गिर गई। परिवार के दूसरे लोग महिला को बचाने आरोपी को धमकाते हुए वहाँ से भाग गए। महिला को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लाया गया, जिसके बाद रीवा रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सूचना आई कि एक पुत्र ने अपनी मां के ऊपर ही किसी घरेलू विवाद को लेकर के, घरेलू बातचीत को लेकर के सामान्य सी बात पर मां पुत्र में बहस हुई, जिसमें पुत्र ने अपनी ही माँ को किसी लाठी डंडे या किसी ऐसे चीज से मार दिया, जिससे मां के सर में चोट आई। तत्काल पुलिस ने उस महिला को त्योंथर CHC में MLC के लिए भेजा, जहां से उनको रीवा हॉस्पिटल रीवा में रिफ़र कर दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सूचना मिली और उनकी सभी जांचों के अनुसार से उनके सर में फ्रैक्चर आया है। वैधानिक कार्रवाई थाना प्रभारी सोहागी के द्वारा कर ली गई है, धाराएँ उनमें लगा दी गई हैं और जैसे ही आगे की रिपोर्ट आएगी उनमें उनकी गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय पेश किया जाएगा उसको। कहाँ का है ये थाना? सोहागी अंतर्गत गीधा गांव का मामला है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।